आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बिना फॉर्म 16 के इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न घर बैठे फाइल कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियोज को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है जो कि incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद ईफाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, असेसमेंट या चूज करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। अगर आप पहले से फाइल कर रहे हैं तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ITR फॉर्म 1 आपको बता रहा हूँ मैं, आपका सैलरीड इनकम है, ठीक है। अगर आपका सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ठीक है। इसके बाद आपका अदर सोर्स इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीजें फिल करनी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे, पूरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉई है, मतलब इंप्लॉयमेंट है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन कुछ नहीं करना है, 139 मंथ सेलेक्टेड रहेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछता है कि क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। जी नहीं, हम न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना चाहते हैं, तो हम सीधा नो पे ही रहने देंगे, ठीक है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अगर बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है, बैंक डिटेल्स नहीं दिख रहा है, तो ऐड बैंक पे क्लिक करके आप बैंक के डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कर दिया है हमने। अब आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीधा स्किप द क्वेश्चन कर देना, ठीक है, और यस कर देना। इसके बाद सीधा सीधा इनकम फ्रॉम सैलरी में आना है और एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सैलरी, आपकी जो भी सैलरी है वो सैलरी आपको यहाँ पे डाल देनी है। एग्जांपल लेते हैं आपकी 6.5 लाख की सैलरी है, ठीक है। जितनी भी सैलरी है वो सैलरी आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास बाइफर्केशन है परक्विजिट का और प्रॉफिट रिलीव सैलरी का, तो वो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको डिलीट कर देना है, जनरली नहीं रहता है, सबके केस में नहीं रहता है, तो इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद अलावेंसेस कोई है आपके पास तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो सीधा स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे HRA का अलावेंस हो गया, इसके बाद LTA का अलावेंसेज हो गया, तो इसका डिडक्शन हम यहाँ, मतलब एग्जम्पशन बेसिकली यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आपके केस में है तो डालिए यहाँ पे, अदरवाइज इसको डिलीट कर सकते हैं आप। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन जो है नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी एंटर करने के लिए नहीं आ रहा, तो सीधा सेव पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी के डिटेल्स, अगर आपका रेंट इनकम भी आता है तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप रेंट इनकम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेंट इनकम नहीं आता है तो आप इसको सीधा सीधा स्किप कर सकते हैं। सेलेक्ट हाउस प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने बेसिकली इंटरेस्ट पे किया है, तो उसका डिडक्शन देखिए यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, एंटर नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपने कितना रेंट रिसीव किया है, टैक्सेस कितना पे किया है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी जिस पे आप रेंट पे कर रहे हैं उस पे अगर आपने लोन लिया है, उसका कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं और उसको सीधा ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सीधा मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है अदर सोर्स, ठीक है। तो कोई इनकम टैक्स रिफंड वगैरह आया रहेगा ना आपका पिछले साल, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर सोर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ऐड अदर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे जो भी अदर सोर्स आप ऐड करना चाहते थे, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है, आप यस करके अमाउंट डाल सकते हैं। एग्जांपल है तो 1000 का है, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा सेविंग बैंक का वो डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका FD में इंटरेस्ट आता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनकम टैक्स का रिफंड ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है।
इसको डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे कोई फैमिली पेंशन है तो यस करके आप डाल सकते हैं, कोई अदर सोर्स का इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई अदर ऐसे ही आप कुछ भी काम करते हैं पार्ट टाइम में और उसका भी इनकम आता है तो आप यस करके यहाँ पे क्या काम करते हैं आप वो लिखना है आपको, या फिर अदर सोर्स इनकम लिख देना है और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, इसको नो कर देना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अदर सोर्स का इनकम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया अदर सोर्स का इनकम। अब हम सीधा एग्जाम्पल इनकम कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो अगर एग्जाम्पल इनकम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पीएफ के इनकम से, ठीक है। और यहाँ पे कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, कोई डिफेंस मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें कुछ भी हैं आपका, आप एक बार देख लीजिए, अगर रहेगा कुछ भी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर सीधा कैंसिल कर दीजिए, डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास इनकम है तो डालिए आप। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देना। अब आएंगे टोटल डिडक्शंस में, इस पर क्लिक करने के बाद बेसिकली ना न्यू टैक्स रिजीम में ना वो डिडक्शन आपको मिलता नहीं है, सिर्फ 86(2) को लेके, ठीक है। और ये बेसिकली एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयर है ना वो करता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। न्यू टैक्स रिजीम में बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना वो मिल जाता है आपको, इसके अलावा और डिडक्शन नहीं मिलते हैं। मतलब 86(2) मतलब ये मिलता है बट वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए होता है। तो यहाँ पे फिर आता है टैक्सेस पेड, कोई टीडीएस वगैरह अगर आपका कटा रहेगा ना तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। आप एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए कि टीडीएस जो कटा है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो जो टीडीएस कटा है वो प्रॉपर आ चुका है मेरा 73 रुपीज से, तो हम सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आया टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली अगर आपका इनकम ना 7.5 लाख से नीचे ही है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम 7.5 लाख से नीचे है, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ जाता, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर उसके नीचे आता है तो आपको बेसिकली कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आता है। मतलब आपका जो टैक्स पेबल है ना, ये 15,100 दिख रहा है, ये अप टू 25,000 तक आपको टैक्स पे करने के लिए नहीं आता। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जीरो दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे कन्फर्म कर देना, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म प्रॉपरली यहाँ पे देखिए फिल कर दिया, तो हम सीधा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 70 रुपीज़ का रिफंड है, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम टिक करेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ आपने फिल की है वो प्रॉपरली फिल हुई है या नहीं हुई है। स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है, नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल करके आएगा, मतलब आपने फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती नहीं की है और आपका फॉर्म प्रॉपरली फिल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप आधार ओटीपी सेलेक्ट करके आप अपने रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओटीपी का ऑप्शन आता है, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है आपको और आधार ओटीपी सेलेक्ट करके ओटीपी डाल के आप अपने रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रिटर्न को कैसे अपलोड करना है आपको। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिटर्न कैसे अपलोड कर सकते हैं उसका डिटेल वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कैसे रिटर्न्स मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी आपका हम करवा के देंगे। इसके बाद हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।